नस्तु हुसैन दीपना अस्तु हुसैन सरदाद नदाद दस्त। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं हीरा आबाद सैयद कोट उमरकोट ज़िला में इस बस्ती में हाजिर हूँ। ये 300 घरों पर मुश्तमिल ये बस्ती है, इनके यहाँ भी पानी नहीं है, दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। अमीर लोगों ने कुछ मोटर्स लगवाई हुई है, वहाँ से पाइप इन्होंने बिछाया हुआ, कुछ चंद घर हैं जिनके पास इस्तेतात है, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो गरीब और नादार हैं, मजदूर हैं, लकड़ियाँ बेचते हैं। इन लोगों का पानी की सख्त ज़रूरत है। घरों में आप देख रहे हैं ये गैलन भर के ला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वाटर प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया जाए, एक वेल यहाँ खोदा जाए और उस वेल के जरिए से पानी प्योरिफिकेशन प्लांट भी लगाया जाए और प्योरिफिकेशन प्लांट के जरिए से इन गाँव वालों के घरों में साफ पानी मुहैया किया जाए। ये ज़रूरतमंद लोग हैं, तो ये मुसीबत में है, मुश्किल में, पानी जैसी जिंदगी उनके पास भी जैसे टूटे हुए घर हैं। एक वो भाई वो गैलन आप देखें, वो गैलन उन्होंने रखे हुए हैं, तो इसलिए ये पसंद जाता है। चाहूँगा कि आप हजरात कीजिए, यहाँ पर भी वेल लगाया जाए और हीराबाद में, और इनको पानी जैसी बुनियादी नेमत इनको मुहैया की जाए। बहुत शुक्रिया। आबाद की मस्जिद जामे मस्जिद गौसियातुल दस्तगीर, जो यहाँ आप देखे बाहर नाम भी लिखा हुआ है, मुझे बताया गया कि यहाँ पर भी पानी का मसला है। और ये मस्जिद जो है वो पुरानी मस्जिद है, लेकिन कुछ इन्होंने अभी प्लास्टर कराई है। देखते अंदर हालत क्या है ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए कि ये दराड़ें आ चुकी हैं। ये जो फ्रंट है इसका हाल आप देख लीजिए क्या है। ये जो सरिया है आप देख रहे हैं कि ये जंग लग चुका है, ये सरिया जो है आप देख रहे हैं गिर रहा है, सरिया ये देखिए तो गल चुका है, ये सरिया ये नीचे गिर रहा है, तो ये डेंजरस है। यहाँ पर इन्होंने जो दरवाजा है तो ये अंदर जो सरिया था पुराना पत्नी कई सदियों से ये सारा गल गया, ये सरिया नीचे गिर रहा है, तो ये खस्ता हालत आप देख रहे हैं, इसके दरवाजे की खस्ता हालत है। ये वजू खाना है लेकिन यहाँ टॉयलेट्स हैं, ये पानी इनके पास पानी नहीं है। तो अब जब हम इस गांव को पानी मुहैया करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके साथ साथ इस मस्जिद को भी पानी मुहैया करेंगे। ये देखिए नीचे काफ़ी गहरा है, ये डालकर यहाँ से पानी लेते हैं और पानी लेने के बाद फिर ये ये पानी लेके फिर उधर डालते हैं। और तो इस वस्सी जामा से वसी आजम दस्तगीर का आप देखिए कि यहाँ नहाने का भी इंतजाम प्रॉपर नहीं है, ये मस्जिद खस्ता हालत में है, तो यहाँ पानी नहीं। लेकिन जब इस हीरा अकेडमी को जब हम हीरा आबाद गांव को पानी फराहम करेंगे तो फिर यही पानी जो है ये देखिए ये वजू भी इसी से करते हैं, तो यही पानी जो है फिर इंशाल्लाह ताला हम इनको भी मुहैया करेंगे। पूरे गांव को जहाँ पानी मुहैया होगा तो ये जेन में रखिएगा कि साथ ये जामे मस्जिद गौसे आजम दस्तगीर जो है इस मस्जिद को भी हम पानी फराहम करेंगे। और देखते हैं कि ये मस्जिद की इस वक्त हालत क्या, फ्रंट आपको मैंने दिखाया और मैं समझता हूँ दोबारा इस मस्जिद को बनना चाहिए। आप देख रहे हैं सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या अल्लाह या मोहम्मद, ये सामने लिखा हुआ ये मस्जिद देख रहे हैं। और ये कुछ इन्होंने ऊपर काम किया, लेकिन नीचे आप देखिए इस मस्जिद जामे मस्जिद गौसे आजम दस्तगीर ये दराड़े आई हुई हैं, ये भी आप देखिए ये बरामदा जो है नीचे दराड़े आई हुई हैं आप देख रहे हैं, तो ये बरामदा भी खस्ता हो चुका है। और अब आगे देखिए ये मस्जिद जो काफ़ी पुरानी है और ये दराड़े देखिए, मेरे ख्याल में सैलाब की वजह से ये ऊपर दराड़े हैं। छत जो है उसका हाल भी देख लीजिए, खस्ता हो चुकी है, ऊपर पानी है, बारिश है। उसके अलावा आप यहाँ देखिए कि ये मस्जिद में यहाँ पर भी दराड़े पड़ चुकी हैं, इस मस्जिद में दराड़े पड़ चुकी हैं। महबूब सुबहानी गौसे समदानी तहसीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर ये मस्जिद रखी गई है। और मस्जिद का नाम बार आपने देखा जामे मस्जिद गौसे आजम दस्तगीर लिखा हुआ है और ये दराड़े पड़ चुकी हैं, पुरानी मस्जिद है। और अब आप देख रहे हैं नाज़रीन ये अहले अदब और अहले मोहब्बत की मस्जिद है, यहाँ पर उस मोहब्बत की अलामत ये है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक, हजूर के नालैन पाक यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये मस्जिद है, मैं चाहता हूँ कि इस मस्जिद को दोबारा तामीर किया जाए। छत देख रहे हैं कि गार्ड उन्होंने डाले हुए हैं लेकिन वो छत पर भी वो सैलाब की वजह से कोई क्वालिटी सही नहीं है। ये विंडो भी आप देख लें कि ये लकड़ी के हैं, पुरानी तरज के हैं, तो हुजूर गौस पाक के जो मानने वाले हैं
ग्यारहवीं शिफ्ट करने वाले, उनसे गुजारिश करूंगा कि मैं इस वक्त थर के इलाके में बड़े दूर दराज इलाके में आया हूँ और हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस शानदार तरीके से, लेकिन इस पर हमें 15-20 हज़ार साउंड भी लगाना पड़े, तो इस मस्जिद पर लगाकर इस मस्जिद को हम तामीर करेंगे। यहाँ तारे भी आप देख रहे हैं कि तारे यहाँ फैली हुई हैं और इलेक्ट्रिशियन का इलेक्ट्रिक का कुछ सामान कोई मेरे ख्याल में कोई प्रॉपर नहीं, ये तारे जा रही हैं और ये दरार देखिए, ये दरारें भी पड़ चुकी हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा और अभी भी कर रहा हूँ कि इस मस्जिद की तामीर के लिए मैं चाहता हूँ कि मस्जिद का नाम है जामे मस्जिद गौसे आज़म दस्तगीर, बाहर भी नाम आपको दिखाया फिर दिखाता हूँ, इस मस्जिद की जगह काफ़ी है, इसको हम डबल स्टोरी भी बना सकते हैं। ये देख रहे हैं ये मस्जिद जो है, ये मस्जिद का नाम है जामे मस्जिद गौसे आज़म दस्तगीर। पानी का मसला, यहाँ पानी नहीं है, बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं तो हजूर गौसे पाक के नाम पे महबूब सुबानी गौसे समदानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद वाली सरकार, मैं उनके रोज़े पाक पर भी हाजिर हूँ। और मेरी आज खुशकिस्मती है कि मैं इस गांव में आया तो देखा तो नाम हजूर गौसे पाक का लिखा हुआ था, तो मुझे पता है बरतानिया में यूरोप में हजूर गौसे पाक के मानने वाले फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस मस्जिद के लिए अगर 15,000 पाउंड 20,000 पाउंड जितना भी खर्चा हुआ आलीशान मस्जिद बनाएंगे और इसमें पानी का भी इंतजाम होगा और इसमें एसी भी, अगर बिजली है तो यहाँ हम एयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, तो पता चले दुनिया वालों को कि मैं एक यहाँ से गुजरा तो एक वजीर साहब की कोठी मुझे रास्ते में नजर आई, बड़ी आलीशान कोठी थी, बताया गया कि ये सिंध के वजीर हैं, सैयद साहब हैं वो भी, तो उनकी बड़ी आलीशान कोठी मैंने देखी। तो मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया है कि मैं चाहता हूँ कि इस मस्जिद को आलीशान बनाया जाए, या एयर कंडीशन भी लगवाया, बिजली है, पानी का इंतजाम भी किया जाए, या मोटर भी लगा दी जाए, प्योरिफिकेशन प्लांट भी लगा दिया जाए, डबल स्टोरी मस्जिद बनाई जाए, ऊपर मीनार बनाया जाए, हजूर गौसे पाक के नाम की मस्जिद है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हजरात इस मस्जिद की तामीर में, मस्जिद की तामीर में नाम है पढ़ लीजिएगा जामिया मस्जिद गौसे आज़म दस्तगीर, इस मस्जिद को हमने तामीर करना है, आप हजरात दिल खोल कर इस मस्जिद में एहतियात पेश करें ताकि जल्द अज जल्द ये मस्जिद तामीर हो जाए। मस्जिद बननी चाहिए, ठीक है, पढ़ते हो मस्जिद में पुराने पाक पढ़ते हो, आप भी पढ़ते हो, आप भी पढ़ते हो, इंशाल्लाह ताला ये बच्चे जो जहाँ पढ़ते हैं आइंदा मैं आऊँगा तो ये मस्जिद जो है वो तामीर हुई हुई होगी और इंशाल्लाह ताला आप हजरात को फिर मैं मुबारकबाद दूंगा कि ये मस्जिद जो है वो बन चुकी है। बहुत शुक्रिया। बला का शाह सवार है।